फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वुमेंस क्लब में। दोस्तों, पेट की चर्बी हमेशा के लिए गायब करें हमारे द्वारा बताए गए ये 10 नुस्खे से। मोटापा आने पर हमारे पेट पर चर्बी सबसे ज़्यादा जम जाती है, जो हमारी बॉडी के शेप को पूरी तरह बिगाड़ कर रख देती है। अगर एक बार मोटापा काबू से बाहर चला जाए तो इसे नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाया जाए तो इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह हम आपको हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। पहला है नींबू पानी। अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें, यह पेट की चर्बी को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है। गुनगुने पानी में नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिला लें। रोज सुबह इसका सेवन करें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और वजन कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा है दोस्तों, ब्राउन राइस। सफेद चावल का सेवन बंद करें, और अगर आप चावल से दूर नहीं रह सकते हैं तो उसकी जगह आप ब्राउन राइस का सेवन करें। इसके साथ साबुत अनाज और ओट्स खाने में शामिल करें। तीसरा है दोस्तों, मीठे से रहें दूर। चर्बी को कम करना है तो मीठी चीज़ों से दूर रहें, जैसे मिठाइयाँ, मीठे पेय पदार्थ और तेल वाले खाद्य पदार्थ। इसका ज़्यादा सेवन करने से पेट और जांघों पर चर्बी जमा होनी शुरू हो जाती है। चौथा है दोस्तों, खूब पानी पिएं। खूब सारा पानी पिएं। नियमित रूप से पानी पीते रहने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और आपके शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। पांचवा है दोस्तों, कच्चा लहसुन खाएं। सुबह सुबह कच्चा लहसुन खाने से आपके शरीर के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं। रोजाना सुबह लहसुन की 2 से 3 कलियाँ चबाएं और उसके बाद नींबू पानी पीना आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। इससे वजन जल्द कम होता है और पेट की चर्बी भी कम होती है। छठवां है दोस्तों, नॉनवेज से रहें दूर। मांसाहारी खाने में वसा काफ़ी मात्रा में होती है, जो मोटापा बढ़ाती है। अगर आप वाकई में अपना वजन कम करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप मांसाहारी भोजन छोड़कर शाकाहारी भोजन खाएं। सातवां है दोस्तों, खूब सारी सब्जियाँ खाएँ। अपने आहार में फल और सब्जियों का सेवन करें। सुबह शाम एक कटोरी फल और सब्जी खाने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको खूब एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल और विटामिन मिलेंगे। आठवां है दोस्तों, खाना पकाने का तरीका बदलें। भोजन पकाते समय ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल न करें। दालचीनी, अदरक और काली मिर्च का उपयोग भोजन पकाते समय जरूर करें। इन मसालों में सेहत के लिए फायदेमंद तत्व होते हैं। इससे आपकी इंसुलिन क्षमता बढ़ती है और साथ ही रक्त में शक्कर की मात्रा कम होती है। नौवां है दोस्तों, क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस में ऑर्गेनिक एसिड काफ़ी मात्रा में होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम पर सकारात्मक असर डालता है। यह एंजाइम हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को समाप्त करने का काम करता है। दसवां है दोस्तों, बादाम। बादाम में विटामिन ई और प्रोटीन के अलावा फाइबर की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है, जिससे व्यक्ति का पेट लंबे समय तक भरा रहता है। हालांकि उनमें कैलोरी की मात्रा थोड़ी सी अधिक होती है, लेकिन इससे पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। तो दोस्तों, अगर आप अपने पेट की चर्बी को हमेशा के लिए गायब करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताए गए इस 10 आसान घरेलू नुस्खे को ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।